हाय एवरीवन, आप सब लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सब लोगों के सामने पेश हो रही हूँ। तो आप सब लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर मुझे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, ये हमारा आलू का वजन 350 ग्राम है। मैं इनसे आपको नई रेसिपी आज बनाऊँगी जो पालक से बनेगी। तो सबसे पहले मैं इस पर नमक डाल रही हूँ। मैं सब्जी में भी नमक जाएगा, मैं कम ही डालूंगी। और मैं टर्मरिक पाउडर भी डाल रही हूँ इसमें। तो मैं आधी चम्मच मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन डालने से क्या होता है, जो आलू का इसमें मैंने ऐसे कस करके और अजवाइन डाल दी है। मैंने आधी चम्मच इसमें जीरा पिसा हुआ डाल दिया है। मैं दो चुटकी हींग मैं इस पे डाल रही हूँ। मैं इसमें गरम मसाला, घर का भुना पिसा हुआ, मैं इस पे लगा रही हूँ। बहुत टेस्टी है, मैं आपको बनाना बता रही हूँ। और मैं इस पे धनिया भी एक चम्मच से कम है, मैं इस पे डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं कसूरी मेथी है, तो मैं इसको बहुत अच्छा, इससे फ्लेवर आता है। मैं इसमें दो छोटी इलायची डाल रही हूँ, मैंने इसको तोड़ के। इसका इलायची से बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आती है, खाने में भी टेस्टी होते हैं। अब मैं इस पर हल्का सा एक चम्मच इस पर ग्रीसिंग के लिए मैं इसे चलाऊंगी। और इसकी आप सब लोग देखिएगा, बहुत अच्छी अब मैंने इसको मिला दिया है। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको मैं ढक करके रख दे रही हूँ। तो मेरे 5 मिनट हो गए हैं, मैं इनको देखती हूँ। तो मेरी आलू अच्छी तरीके से देखे पानी छोड़ दिया है और इसमें मैरिनेट हो गई है। अब मैं इस कुकर पे मैं इस पे डाल दूंगी। ये देख सकते हैं पानी इसने अपना दिया है। तो मैं इसको अब ये कटोरे का जो मसाला था तो मैं इसी में पानी रख दूंगी। और मैं इस चम्मच से मैं इसको कवर कर देती हूँ। अब बस एक सीटी लगाऊंगी और मैं आप सबको, देखिए बहुत नए तरीके से मैं सब्जी आपको बनाना बता रही हूँ। तो मैं इस लहसुन को इससे कुचल देती हूँ अपने खल्लड़ मूसड़ से। और मैं इसको, क्या होता है, पिसलने से कुचलने से महक अच्छी आ जाती है लहसुन की। तो देखिए ये आलू पक चुकी हैं, मैं इनको बंद कर रही हूँ। आज मैं पालक का निमोना बनाऊंगी। तो देखिए हमारी ये पालक पिसी हुई रखी है, देख सकते हैं ये हमारी खट्टी पालक है जो कि मैं इसमें डालूंगी। बहुत अच्छा खाने में टेस्ट लगता है, देख सकते हैं आप सब लोग। देखिए ये हमारी धनिया है, ये हमारा पुदीना है जो कि इसमें पड़ेगा, बहुत अच्छी टेस्ट। देखिए ये हमारा प्याज है, ये लहसुन कुटा हुआ रखा है, ये अदरक रखी है, जीरा हींग मैं अभी बात आपको दिखाऊँगी जो कि इसमें आएगा और बहुत अच्छा है। मैं आज पालक का निमोना बनाऊँगी, बहुत
अच्छा बहुत अलग तरीके से आप सब लोग बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट कि आप लोग ऐसा खाएंगे तो देखिए बहुत तारीफ करेंगे और इंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो देखिएगा हमारे साथ में आप ऐसी रेसिपी आपको मैं ज़बरदस्त लाऊंगी। तो मैं अब देखती हूँ मेरी ये इनका क्या है, तो मैं इनको अब खोल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी आलू है और देखिए सब इनमें जितना मसाला मैंने डाला था तो इनमें अंदर एग्जैक्ट हो चुका है, अपने अंदर को ले लिया है ये। और ऐसे आप सब लोग बनाइए छिक्कल वाली आलू। देखिएगा इसमें मुझे एक हाथ से पकड़ना पड़ता है और एक हाथ से आप सब लोगों को दिखाना भी पड़ता है। तो मैंने इस पर देखिए मैंने कर लिया, अब मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ इसके लिए। चलिए दिखाते हैं। देखिए मुझे जितनी ज़रूरत थी उतनी आलू ये पक चुकी हैं, बाकी इसमें मसाले में पकेंगी और वैसे भी पकेंगी। देखिए मैंने गैस को जला दिया है और कढ़ाई को रख दिया है। तो आप सब लोग बिल्कुल अब मैं इस पर मस्टर्ड ऑयल ही डालूंगी। सरसों के तेल से क्या होता है गाइस, सरसों के तेल से अच्छा बनता है और अच्छा इसका आता है। बस मैं इतना लगाऊंगी। हमारा तेल काफी हीट हो चुका है, धुआं निकला है, तो इसमें लहसुन डाल रहे हैं। अब मैं अदरक से मेरी पड़ेगी, अब थोड़ी सी आधी चम्मच मेरे में अजवाइन जाएगी, एक चम्मच से कम मेथी डाल रही हूँ और ये प्याज। देखिए मैं जीरा डाल रही हूँ, आधी चम्मच मैंने हींग इसमें डाला है, मैंने भी आधी चम्मच के समथिंग उसमें भी हींग लगाया था। देखिए जो मैंने खट्टी पालक रखी थी मैं इसमें इस पर डाल डालूँगी, क्योंकि पालक इस पर अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी। और मैं पुदीना भी इसे में लगाऊँगी, बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। अब मैं इस पर धनिया भी इसमें लगा रही हूँ। मैं इसमें कसूरी मेथी भी लगा रही हूँ। देखिए जो मैंने पालक लगाई, देखिए इससे कितना अच्छा। अब मैं जो आलू मैंने कच्ची थी, मैं आलू इससे आप सब लोग देखिए बहुत अच्छा। मैं आज आप सब लोगों को मैं देखिए ये जो पालक थी मेरी, मैंने इसका निहाना आप सब लोगों को देखती हूँ कितना मुझे ज़रूरत है। एक डेढ़ किलो ये थी पालक, डेढ़ तो नहीं किया था क्योंकि अपने ऊपर की है, मैं टूलिस गार्डन से अपने हार्वेस्टिंग करके लाई थी। तो मुझे लगता है कि मैं अगर सब डाल दूँगी तो ज़्यादा हो जाएगी मेरे घर के हिसाब से, तो मैं उसको उतना रख लेती हूँ, पराठे वराठे में काम आ जाएंगे। तो जब तक अच्छी तरीके से नहीं पकेगी मैं इसको पकाऊंगी। मैंने इसको उबाल के ही पीसा था। देखिए गाइस घर की चीज़, घर में उगाने वाली पालक में कितना अच्छा ग्रीन कलर है कि आप बाहर से लाएं तो ये कलर नहीं आता है। मैंने पहले मैं लाती थी, मैं एक चम्मच मसाला डाल रही हूँ इसमें और मैं आधी चम्मच टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ, आधी चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, आधी एक चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ और एक चम्मच मैं गरम मसाला घर का भुना हुआ डाल रही हूँ। मैं एक चम्मच ये डालने लाल मिर्च मैं और भी डालूंगी,
मैं 2 चम्मच के लगभग डालूंगी, मेरे यहाँ फीका पसंद किया जाता है। मैं इस पर नमक भी डालूंगी थोड़ा इतना, क्योंकि मुझे लिमोना बनाना है तो पतला ही इसका रखा जाए। अब मैं इसको मसाले को भून के मिक्स करके बहुत अच्छा पालक का लिमोना, पालक की आलू की सब्जी भी बनती है वो भी मैं ब्लॉक में डाल चुकी हूँ, और ये मैं आज लिमोना बना रही हूँ। पालक की सब्जी गाढ़ी बनती है इसको अच्छी तरीके से। मैंने जिस कटोरे से आलू मैंने रखा था बॉल में, इसी से मैं पानी इस पर थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और देखती हूँ, क्योंकि डाइस लिमोना तो इसका पतला ही बनता है, नहीं तो फिर वो सब्जी हो जाएगा। तो मैं इस पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ, बस मैं इसमें ये पालक का निमोना है, मैं इसमें मैं थोड़ा और सा कर रही हूँ, बस नहीं इसमें डालूंगी। अब मैं इसको कवर कर दे रही हूँ और मैंने इसको ढक दिया है। अब ये मैं 5 से 6-7 मिनट तक पकेगा। इसमें गाइस टाइम लगती है, ये चीज़ इन चीज़ों में बहुत टाइम लगती है, बहुत अच्छा बनाना पड़ता है तभी टेस्ट आता है। देखने में तो आप सब लोग देख लेंगे कि कितना टेस्ट दिख रहा है, तो खाने में भी टेस्ट होना चाहिए। देखते हैं हमारा ये निमोना, आलू और पालक का निमोना बहुत अच्छी तरीके से बनने वाला अब कंप्लीट। देखिए आप सब लोग ऐसे बनाइए, और निमोना तो जितना पकता है, मैंने इसको समथिंग 1 घंटे पकाया है। और मैं अब आप सबको, अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ, तो देखिए मैं आप सब लोगों को सर्व करके दिखला रही हूँ, सर्व कर रही हूँ, तो आप सब लोग ये पालक का निमोना है और टेस्ट तो बनता ही है। लीजिए आप सब लोग पहले खाइए, अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर। देखिए यदि ये पालक का निमोना आवत है, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बहुत अच्छा टेस्टी है। ऐसे ये देखिए बनाइए और खाइए, और अच्छा लगे मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया है, बताइएगा। और पतला बनता है, देना बंद आप दीजिएगा जरूर। आप सब लोग इसको देखिए, यदि अच्छा सब लोग मेरे, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको रोटी के साथ में, पराठे के साथ में और चावल के साथ में खाइए, टेस्ट तो बनता ही है। लीजिए आप सब लोग पहले खाइए, अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर। बहुत अच्छा है, टेस्टी है, खुशबूदार है, बहुत अच्छा है। आप सब लोग ऐसे बनाइए और खाइए, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फीडबैक देना बंद मत दीजिएगा जरूर मुझे फीडबैक। और आप सब लोग मेरे,